पहाड़ों में मॉनसून सीजन शुरू होते ही बारिश कहर बरपाने लगी है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। नदियां उफान पर बहने लगी हैं। वहीं अलकनंदा नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, जिसके चलते अलकनंदा नदी विकराल रूप में बहती हुई नजर आ रही है। अलकनंदा नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र से तकरीबन 20 मीटर दूर तक बह रही है और बेलनी पुल के नीचे नदी किनारे स्थित विशाल शिव की मूर्ति भी इस वक्त गले तक डूबी हुई दिखाई दे रही है। नदी के तेज बहाव से पेड़ पौधे भी बह रहे हैं। बता दें कि भगवान शिव की मूर्ति तकरीबन 15 फीट तक ऊंची है, लेकिन लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण मूर्ति गले तक डूब चुकी है और साथ ही नदी किनारे स्थित सभी घाट भी जलमग्न हो गए हैं। नदी के इस विकराल रूप को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे जाने पर रोक लगा दी है, क्योंकि नदी अपने खतरे के निशान से केवल 2 मीटर ही नीचे बह रही है। और अगर इसी तरह से लगातार बरसात होती रही तो वह समय दूर नहीं जब अलकनंदा नदी खतरे के निशान को पार कर जाए। लगातार बढ़ रहे अलकनंदा नदी के जलस्तर को देखते हुए स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और साथ ही इसी तरह जलस्तर बढ़ता गया तो नदी किनारे रहने वाले लोगों को अपने आशियाने को खाली करना पड़ सकता है। वहीं जहां अलकनंदा नदी के बढ़ते जलस्तर से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे की पहाड़ियां भी दरक रही हैं और आए दिन लैंडस्लाइड हो रही है। लैंडस्लाइड होने की वजह से पूरा मलबा सड़क पर आ गिरा है, जिसके बाद हाईवे पर 2 घंटे तक आवाजाही बंद हो गई। रास्ता बंद होने की वजह से वहां के स्थानीय लोगों और यात्रियों को दूसरे रास्ते से भेजा गया। पहाड़ों में हो रही लगातार बरसात आफत बनी हुई है और अगर इसी तरह बारिश बरसती रही तो स्थानीय लोगों और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल की रिपोर्ट।